हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ITR ई वेरीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों में ITR करने के बारे में बताया हुआ था और उसके बारे में हमने कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो इन दिनों मोबाइल पर ई वेरीफाई करने के लिए मैसेज और ईमेल पे भी मैसेज आ रहा है, तो कैसे हम ई वेरीफाई करेंगे उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है उसको आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ सर्च बार पे आएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे टैक्स टू विन, क्योंकि हमने जो बताया हुआ था वो टैक्स टू विन से ही बताया हुआ था। तो टैक्स टू विन जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा न्यू टैब खुल करके आएगा। यहाँ पे CSCVLE लॉगिन का इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे चेक ITR स्टेटस, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका टैक्स टू विन का जो स्टेटस वाला डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ITR एक्शन पेंडिंग, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमने जितना भी फाइनेंशियल ईयर में ITR फिल किया हुआ था वो आपका लिस्ट यहाँ पर शो होगा, और जिसका जिसका आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर देखेंगे एक्शन पेंडिंग के अंतर्गत यहाँ पर ई वेरीफाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी ई वेरीफाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ई वेरीफाई का प्रोसेस जान लेते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नेम, पैन नेम, असेसमेंट ईयर और ITR फॉर्म ITR 4 आपका शो हो रहा है। यहाँ पर आपका ई वेरीफाई नाउ का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाई आधार सेलेक्ट कर लेंगे और आधार सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आधार सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि EVC रिसीव्ड ऑन मोबाइल, यानी कि जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP चला गया होगा। तो जो मोबाइल पर OTP आया हुआ है उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यदि आप मेथड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ई वेरीफाई पर क्लिक करके मेथड चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे OTP फिल कर रखा हुआ है, अब हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा यहाँ पर, और तो कुछ देर लोडिंग होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ITR वेरीफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप ई वेरीफाई कर लेंगे तो आप फिर दोबारा यहाँ पर ITR एक्शन पेंडिंग पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन हो चुका है तो इस लिस्ट से हट चुका है। अब हम दोबारा जब ई वेरीफाई करना चाहेंगे तो हम दोबारा फिर उसी प्रोसेस को हम फिर से दोहराएंगे और ई वेरीफाई पर क्लिक करके अगला जो भी हम ई वेरीफिकेशन करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।